बचपन पचपन और पंचानवे हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।
अकेडमी में आपका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे इंस्ट्रूमेंट के सिलेक्शन हैं जिस पर बच्चों की तैयारी करवाई जाती है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट। और कोशिश ये होती है हमारी कि ज़्यादातर एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट पे काम किया जाए। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है कैजन, ये वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट इससे तो तकरीबन सभी वाकिफ होंगे, ढोलक बोलते हैं इसको। उसके बाजू में है बम्बो फ्लूट, आमतौर से लोअर स्केल में बजती है। उसके बाद है बोंगो, अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है। इधर है थ्रिलोंग कोंगो, ये भी अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद है जेम्बे, ये भी अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है। देन तुम्बा, ये भी अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद ऊपर है वायलिन, उसके बाद है इलेक्ट्रिक गिटार, उसके नीचे है एकोस्टिक पियानो, मेड इन यूएसए, ईस्टर्न मैनसंस का। इधर है पियानो अकॉर्डियन, इधर है एकॉस्टिक गिटार, हारमोनियम तो सभी को पता होता है। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सोफ्रानो, यह सैक्सोफोन फैमिली का होता है। उसके अलावा ये इंस्ट्रूमेंट है वेस्टर्न फ्लूट, मेड इन यूएसए। उसके जस्ट बाजू में है क्लारिनेट, उसके बाजू में है सैक्सोफोन, अल्टो सैक्सोफोन, इधर ट्रम्पेट। ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है तो आमतौर से विंड बैंड सेक्शन में, ब्रास बैंड सेक्शन में बजाए जाते हैं। उसके बाद है तबला, ये है तबला। यहाँ से स्टार्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक का सेक्शन। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑक्टापैड, ये इलेक्ट्रॉनिक एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ड्रम सेट होता है। इसलिए पूरी दुनिया के इंस्ट्रूमेंट, इवन इंडियन तबला ढोलक, हर सारे पूरी दुनिया के इंस्ट्रूमेंट होते हैं इसमें। और इसको हम लोग जैसे चाहें वैसे इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, वैसे रिदम सेक्शन सेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का ये फ़ायदा होता है कि एक आदमी पूरा ऑर्केस्ट्रा संभाल सकता है। तो रोलैंड कंपनी का स्पीडी 30V2 ये मॉडल नंबर है और बहुत कमाल का इंस्ट्रूमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में ये है रोलैंड का FL06 मॉडल, ये भी बहुत कमाल का इंस्ट्रूमेंट है। आमतौर से रिकॉर्डिंग वगैरह जो हम लोगों के या लाइव शोज़ होते हैं तो उसमें ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर किए जाते हैं। ये है रोलैंड का FL06। इसके नीचे, इसके पेयर में जो उसके नीचे है जो इसके साथ पेयर किया जाता है, ये है कैसियो कंपनी का हाई ग्रेड CTK 7000। ये भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है, ये दोनों पेयर में करके बजाए जाते हैं। उसके बाद इधर वॉइस मिक्सर, इसमें वॉइस के इफेक्ट वगैरह दिए जाते हैं।
फाइनली ये हम लोगों का रिकॉर्डिंग सिस्टम जिसके सॉन्ग्स वगैरह क्रिएट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, कंपोजिंग करके पूरा रिदम सेक्शन इसको सेट किए जाते हैं। इसमें जो है तो आमतौर से लॉजिक प्रो, प्रोटोल्स और इन्वेंडो वगैरह में काम करता हूँ, और भी इंस्ट्रूमेंट हैं जो वो दूसरी ब्रांच में रखे हुए हैं। ये है कंडेंसर माइक, आमतौर से रिकॉर्डिंग स्टूडियो में यही माइक यूज़ किया जाता है। और कॉन्सर्ट का जो माइक होता है, इंस्ट्रूमेंट का जो माइक होता है वो अलग होता है। हर इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग माइक होता है, सिंगिंग के लिए स्पेशल ये कॉन्सर्ट माइक होता है। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।